Hello guys, welcome to my YouTube channel. So finally is the last day in Vrindavan. और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:22. हम 5:30 बजे उठ गए थे, लेट हो गए और अभी हम शायद जा रहे हैं निधिवन वहाँ पे, क्योंकि जो सुबह उठ के दातुन वगैरह, मतलब कि वो वैसे ही पड़ी होती है. आप मेरा निधिवन का व्लॉग जाके देख लो. तो अभी हम चले. ये शर्ट लगाई है जो मैंने ली थी मार्केट से. तो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग. तो चलो. फिर से हम निधिवन आ चुके हैं. मेरे घर वाले यहाँ पे 3 बार आए, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि जितनी बार आओ उतनी बार मन नहीं भरता है. तो निधिवन वाला ब्लॉग जाके देख. इसकी एंट्रेंस है और सुबह के टाइम इतना रश नहीं होता है, आप भी आ सकते हैं. तो चलो. मैं जब लास्ट टाइम आए थे तब यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, और अभी सुबह सुबह आप देखो अभी मंदिर काफ़ी दूर है, तो सुबह सुबह बहुत रश होता है. अगर आना है तो शाम को आओ, और वीकडेज में आओ यार, वीकेंड इज़ फुल. आज संडे है तो ये मैंने लास्ट व्लॉग में नहीं दिखाया था, यहाँ पे कुआं भी है. देखो कितना बड़ा. It's all worth it. बोलो जो बोलो. आगे भी तो बोलो मुझे. राधे राधे. फिर राधे राधे. राधे राधे. इधर मंदिर में आए. राधे राधे. क्या? राधे राधे. फाइनली गाइस वी आर हियर बंशी भट्ट. यहाँ पे शिव जी और कृष्ण ने साथ में बंसी बजाई थी, उसको बोलते हैं बंसी भट्ट. तो तो यहाँ पे महारास हुआ था, और गोपियों के साथ कृष्ण ने यहाँ पे रास करते थे. और एक, मतलब जितनी भी गोपियाँ थी वो सब एक कृष्ण एक गोपी ऐसे कन्वर्ट हो जाती थी. और यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे शिव आए थे, और शिव ने भी गोपेश्वर, जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ, गोपेश्वर मैंने आपको दिखाया नहीं था, थोड़ी सी क्लिप दिखाई थी. जैसी है जिस अवस्था में है उसी समय सभी को छोड़कर रात्रि में भागी हुई यहाँ भगवान के पास आ गई. यहाँ आई तो भगवान ने पूछा, अरे ब्रजगोपियों आधी रात में जंगल में क्या करने आई हो? तो गोपियाँ बोलती हैं कि प्रभु हमने 1 महीने तक माता कात्यायनी का व्रत किया. कात्यायनी ने वरदान दिया है कि शरद की रात में भगवान वंशीवट पर तुम्हारी मनोकामना पूरी अवश्य पूरी करें. तो आज आप हमारी इच्छा पूरी करें. भगवान ने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? गोपियाँ बोलती हैं कि प्रभु आप तो नित्य राधा रानी के संग रास की लीला करते हैं, आज सब ब्रजगोपियों की इच्छा है आप सभी के संग महारास की लीला करें. ये कैसे होगी? आप एक हैं, हम असंख्य हैं. तो भगवान ने यहाँ योग माया का आश्रय किया, जितनी गोपी हैं अपने उतने ही रूप बना लिए सभी के संग. एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, ऐसे ही भगवान ने यहाँ महारास की लीला की. ऐसी सुंदर अद्भुत लीला हुई. उस लीला का दर्शन करने के लिए बंसी को सुना तो भगवान शंकर यहाँ पे आ गए कि मैं भी भगवान की लीला के दर्शन करूँ. यहाँ आए तो अंदर नहीं आने दिया कि कोई पुरुष नहीं आ सकता, पुरुष तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं और सब गोपियाँ हैं, तो कैसे दर्शन होगा? कि आप यमुना जी से प्रार्थना करें. भगवान शंकर ने यमुना जी की पूजा की, विनती की, यमुना जी प्रकट हो गई. बोली, शिव क्या चाहिए? कि रास के दर्शन करने.
रास के दर्शन करने हैं तो गोपी बनना पड़ेगा, हृदय में गोपी भाव उत्पन्न करना होगा। बोले जो इच्छा वो करो, मेरे पास तो कोई साधन नहीं, मैं तो शमशान का वासी, गोपी का श्रृंगार कहाँ से लाऊं। तो माँ यमुना ने कृपा की, अपना सब श्रृंगार भगवान शंकर को दिया, सुंदर गोपी बना दिया। इस स्थान पर भगवान शंकर गोपी बन करके आए, कोई नहीं जान पाया, राधा जी भी नहीं पहचान पाए, भगवान तो अंतर्यामी है, पहचान लिया उनको, बोला आइए गोपीश्वर। तभी से वृंदावन में नाम हुआ है गोपीश्वर महादेव। गोपीश्वर नाम से बोला तो राधा रानी गुस्सा होकर नाराज हो गई कि आज एक नई गोपी आ गई। तो भगवान ने उसको गोपीश्वर बना दिया, सभी गोपियों से ऊपर, सबसे ऊपर तो मैं हूँ, मेरे से ऊपर कौन सी गोपी आ गई। राधा जी रूझ गई, रूझ के चली गई यमुना के दूसरी तरफ, वहाँ जाके बैठी है, उनके नेत्रों से जल गिरा, जल से एक सरोवर बना, उसका नाम है मान सरोवर। ये भगवान की लीला के दर्शन, या छवि जी की सेवा होती चित्रपट की। बोलते हैं भगवान दो जगह रहते, कहाँ, पहला है घट में और दूसरा है पट में। एक गोपी है कृष्ण जैसे भगवान ने लीला की है, यहाँ ठाकुर जी के राधा जी के चरणों के दर्शन, यही वो स्थान है कि जहाँ राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं, चारों तरफ में एक गोपी है कृष्ण, एक गोपी है कृष्ण। इस स्थान, इस लीला का वर्णन भागवत में आता है दसम स्कंद में रास पंचाध्याय, श्रीमान रास रसारंभी बंसी वट तत्स्थित। तो भगवान रास करने के लिए आगे कहाँ, यमुना के किनारे बंसी वट। यहाँ भगवान ने बंसी बजाई है, भगवान की सबसे प्यारी वस्तु बंसी है, आज भी भगवान बंसी बजा रहे हैं, आज भी भक्तों को इन वृक्षों से भगवान की बंसी की पायल की मृदंग की ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है। सूरदास जी का पद है, आपने सुना होगा, भगवान बोलते हैं अपनी मैया से कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो, चार पहर बंसी बज भटक्यो सांझ परे घर आए। भगवान बोलते हैं चार पहर में बंसी बजती हूँ, चार पहर का मतलब होता है 12 घंटे, आज भी भगवान आते हैं बंसी बजाते। तो भक्त लोग यहाँ भगवान को बंसी दे के जाते हैं, बंसी का दान करते हैं। मम्मा को थोड़ी सी लग गई, अगर आप ऑटो में बैठे तो अपनी बाजू ना अंदर करके बैठे, मम्मा का ये मांस निकल गया थोड़ा सा, तो अगर आप इस ऑटो में बैठ रहे हो तो बाजू बाहर ना निकालें क्योंकि लग सकती है, ट्रॉली से बच गई। और अब हम जा रहे हैं मानसरोवर की तरफ, इस ऑटो ने हमसे लिए हैं 350 रुपीज़। मानसरोवर छोड़ेंगे, मानसरोवर से वापस प्रेम, चलो मानसरोवर की जा रहे हैं। निधि है जाना राधा रानी का टेम्पल। मरते दम तक ऐसी उनकी बेटी है, वो तो है। माय मम्मा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मम्मा। मेरे को 2 मिनट में रोना आ जाता है, पर मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग। मानसरोवर इज हियर। ये वो जगह है जहाँ पे राधा रानी रोई थी, मतलब एक उनका आंसू गिरा था और यहाँ पे पूरा सरोवर बन गया था। अच्छा, यहाँ पे राधा रानी का एक टेम्पल भी है। चलो चले अंदर मंदिर। Beautiful place. Wow.
सो फाइनली एक बज चुका है और हम पूरा घूम के आ चुके हैं। और मैं ये व्लॉग जो है, जो भी मैंने सीरीज शुरू की थी, मैं यहीं पे ख़त्म करके जाऊंगी, क्योंकि अभी हम वृंदावन से निकलेंगे, हमारी दिल्ली से ट्रेन है रात की, तो मतलब यहीं पे व्लॉग्स ख़त्म करती हूँ। तो मैं आपको दो तीन चीज़ें बोल दूँगी, एक तो गाइड कर लें, पर गाइड देख सुन के करें, क्योंकि हमारे साथ जो फतेहपुर सीकरी में हुआ वो तो आपने देखा ही होगा, तो वो सब गवर्नमेंट के गाइड करें, बाकी यहाँ पे भी गाइड कर ले, क्योंकि उनको पूरा आइडिया रहता है कैसे क्या, और लोकल ऑटोज़ वगैरह आपको आराम से मिल जाएंगे। हाँ सांस चढ़ गई, रुको। हाँ तो आपको लोकल ऑटो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो राधे राधे, अब मैं सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर मुझसे अगर इन वीडियोज़ में कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं भी आगे पीछे से पूछ के या पढ़ के ही कर रही थी सब। अभी मुझे आवाज़ें बज रही है, तो मैं आपको मिलती हूँ नई जगह पे। तो तब तक के लिए मज़े मारो और राधे राधे।